Hello students, very happy good morning to all of you. I am Suman, science teacher from Government Model Senior Secondary School, Sector 19C, Chandigarh. In this video, we will discuss the third part of Chapter 8. And in this part, we will cover following topics. First, why the sexual mode of reproduction? Second, sexual reproduction in flowering plants, structure of bisexual flower, pollination and fertilization, after that germination of seed. Let me focus on why the sexual mode of reproduction. To understand this topic, we should know about the significance of sexual mode of reproduction. So, kya hai iske significance? Dekhiye, sexual reproduction produces variables creating diversity and variation among the population. ये इसका main advantage है कि जो offspring, जो new generation आती है, उनमें बहुत सारे changes हमें देखने को मिलते हैं, विभिन्नताएं ही देखने को मिलती है, new traits develop हो जाते हैं, जो उनको आने वाले time में survive करने में help करते हैं. It is important for plants as it provide variation to the progeny. प्रोजेनी जैसे हमारे अंदर नेक्स्ट जनरेशन होती है तो प्लांट्स की सीड से जो नए पौधे तैयार किए जाते हैं वो उसकी नेक्स्ट प्रोजेनी कहलाती है. ये हम प्रोजेनी के बारे में अगले चैप्टर में डिटेल में करेंगे. दैट हेल्प इज अ बेटर सर्वाइवल एंड हेल्प इट टू गेन इट्स ओन यूनिकनेस. तो जो वेरिएशन आ गई है तो एक ही पॉपुलेशन में रहते हुए उनमें बहुत सारे चेंजेस और एक उसकी पर्टिकुलर आइडेंटिटी बनाने में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्प करता है. और जो अनवांटेड जीन्स क्रिएट हो गए हैं रॉन्ग इंफॉर्मेशन से डीएनए कॉपिंग के टाइम, वो भी खत्म कर दिए जाते हैं, उनको हटा दिया जाता है. तो इस तरीके से दो मेन सिग्निफिकेंस हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. फर्स्ट क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रमोट्स डाइवर्सिटी ऑफ करेक्टर्स इन द ऑफस्प्रिंग्स बाय प्रोवाइडिंग जेनेटिकल वेरिएशन. जब जेनेटिक वेरिएशन किसी चीज में आ जाती है तो वो काफी टाइम तक उस पर्टिकुलर स्पीशीज में चलती रहती है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. कि जो नई स्पीशीज प्रोड्यूस हो रही है, आपने नाइन्थ क्लास में डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स सेवन चैप्टर में क्लासिफिकेशन किया था, तो उसमें आपने जाना कि किस तरीके से जो आपके नॉन कॉर्डेट से कॉर्डेट्स ओरिजिनेट हुए. कॉर्डेट में सबसे सिंपलेस्ट हमने पाइसिस की, आफ्टर दैट पाइसिस से किसी एक फिश में इतने वेरिएबल्स एक्यूमुलेट हो गए कि उससे एम्फीबियन जनरेट हुए. फिर एम्फीबियंस में कुछ इस तरीके के वेरिएशंस एक्यूमुलेट हो गए कि उनसे रेप्टाइल बने. फिर रेप्टाइल के किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में ओवर ए जनरेशन टू जनरेशन इतने ज़्यादा वेरिएशन क्रिएट हो गए कि उनसे एविस बने. फिर एविस से मैमल्स क्रिएट हुए थे. फिर मैमल्स में भी ह्यूमन जो है वो तो लास्ट की क्रिएशन है. तो होप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन सिग्निफिकेंस आपको क्लियर हो गया कि एक तो डाइवर्सिटी डिफरेंट ट्रेट्स की क्रिएशन होती है और न्यू स्पीसीज की इवोल्यूशन होती है. तो क्या इस इतना इंपॉर्टेंट मोड है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके कुछ लिमिटेशंस भी है. यस चिल्ड्रन, लिमिटेशंस भी है. पहली बात तो ये कि ये बहुत लंबा ज्यादा टाइम में ऑफस्प्रिंग क्रिएट करता है. सेकंड कि मेट मस्ट बी फाउंड, मेटिंग होनी बहुत जरूरी है. मेल गैमेट्स की फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूजन होनी जरूरी है, फर्टिलाइजेशन होनी जरूरी है. तो ये दो इसके ड्रॉबैक है. नाउ we will discuss the sexual mode of reproduction in detail. Sexual, it is the mode of reproduction in which the gamete cells from two organisms, one male and one female, combine to form a singular zygote. Here you can see in this picture, this is the male and this is female. Both create the germ cells. The name of germ cell of male is called sperm. And the female germ cell is known as egg, or we can say ovum. As both have the half number of chromosomes, when they combine to each other, they form a single cell, and this cell is called zygote. Zygote में फिर mitosis division बहुत बार होता है, उससे बनता है embryo. Embryo में जो variations आ जाती हैं, development होती है, then it convert into fetus, or fetus
न्यू इंडिविजुअल क्रिएट करता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ब्रीफ दिया हुआ है ह्यूमन बींग में। यहाँ पे आप प्लांट्स में भी देख सकते हैं, प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? फ्लावर। अब फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्लावर से किस तरीके से सीड बनते हैं वो सारी की सारी जर्नी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। पहले हम इंजॉय करेंगे वीडियो जिसमें प्लांट्स के फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस किया गया है। हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी शैल लर्न अबाउट डाइसेक्शन ऑफ हिबिस्कस फ्लावर। द बॉटनिकल नेम ऑफ हिबिस्कस इज हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस एंड द इंग्लिश नेम इज चाइना रोज एंड हिंदी में इसको कहते हैं गुड़हल। मेरे हाथ में एक छोटी सी ब्रांच है हिबिस्कस प्लांट की, इसमें आपको लीव दिखाई दे रही है और ये फ्लावर है और ये इसका बड दिख रही है। इसकी जो लीव्स हैं उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है, इसको देखकर हम जज कर लेते हैं कि इसकी जो रूट्स होएंगी वो टैप रूट है और जो इसका सीड होएगा वो डाइकोट होगा। तो और इसमें आपको ये जो बड दिख रही है, बड से बन गया बेटे फ्लावर। फ्लावर इस मेन ब्रांच से जिस स्टॉक से अटैच्ड रहता है दैट स्टॉक इज कॉल्ड पेडिकल। इज इट क्लियर? अब आइए हम इस फ्लावर जो कि मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, उसके ईच पार्ट को डिटेल में जानेंगे। फॉर डाइसेक्शन ऑफ ए फ्लावर वी रिक्वायर्ड ए फ्लावर ब्लेड, ऑलपिन, और इन प्लेस ऑफ ऑलपिन वी कैन टेक सेप्टिपिन, ट्वीजर्स एंड ए मैग्निफाइंग ग्लास। पेडिकल के टॉप पे फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स कंसेंट्रिक सर्कल में अरेंज रहते हैं। ये हर फ्लावर में जनरली फोर होते हैं। आउटर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड कैलिक्स एंड द कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड कोरोला एंड द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड एंड्रीसियम एंड द इनर मोस्ट पार्ट दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड गाइनेसियम। इस हिबिस्कस में आप कैलिक्स के बाहर एक और लेयर देख रहे हैं एंड दिस लेयर इज कॉल्ड एपिकैलिक्स। अब मैं ऑलपिन की हेल्प से बहुत जेंटली इसको रिमूव करूंगी। द फर्स्ट वॉल ऑफ फ्लावर लीफ इज कॉल्ड कैलिक्स एंड कैलिक्स नीचे से एक दूसरे से फ्यूज होके ये कॉन शेप स्ट्रक्चर बना रहे हैं और जो अपर एंड है ये फ्री है। तो अब मैं ऑलपिन की हेल्प से इनको जेंटली रिमूव करने की कोशिश करूंगी जहां पे ये इस पोर्शन पे अटैच्ड है। This is the first wall, calyx. तो हम इसको calyx mark कर देते हैं। Second layer of floral leaf is called corolla. Corolla के भी आपस ऊपर से ये free हैं और नीचे से ये एक दूसरे के ऊपर arrange हैं। ये देखिए, इनको भी gently हमें separate करना है। This colorful leaf is called petal and combinedly these are known as corolla. ये जो पूरा concentric circle बनाते हैं इसको हम बोलेंगे corolla. Hope ये तीनों जो layer है floral layer वो बिल्कुल clear हो गई होंगी। अब एक बार इनका function देख लें। Apicalyx and calyx both are green in color, so these parts help in photosynthesis as well as protect the inner part, this part, from external shock. Also, they provide base. Hibiscus flower के अंदर 5 sepals होते हैं और जो कि outermost wall बनाते हैं calyx. तो ये मैं इसके नीचे sepal mark कर देती हूँ. And next जो colorful part है, इसका function होता है insects को attract करना for pollination. And वन फ्लोरल लीफ इज कॉल्ड पेटल। इसको यहां दोनों में यूनिफॉर्मिटी आपने क्या देखी कि सेपल्स जो हैं ये भी 5 हैं काउंटिंग में, 1 2 3
4 एंड 5, तो जो पेटल्स हैं ये भी 5 होते हैं। टू वॉल्स सेपरेट करने के बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये पिंक कलर की ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, दिस इज द थर्ड वॉल ऑफ फ्लोरल लीफ एंड इज कॉल्ड एंड्रीसियम, इसको हम बोलते हैं एंड्रीसियम। देयर आर टू मेन पार्ट ऑफ एंड्रीसियम, वन इज फिलामेंट एंड अनदर इज एंथर। ये जो फिलामेंट्स हैं नीचे के वो आपस में फ्यूज होके पिंक कलर की ट्यूब बना रहे हैं एंड दिस ट्यूब इज कॉल्ड स्टेमन ट्यूब। ऊपर ये आपको छोटे छोटे फिलामेंट्स सेपरेट दिख रहे हैं और इनके ऊपर येलो कलर की कैप दिखाई दे रही है और ये कैप जनरली किडनी शेप की होती है चिल्ड्रन, तो दिस कैप इज कॉल्ड एंथर। एंड यही वो रीजन है जहां पे पोलन ग्रेन्स बनते हैं और पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट्स बनते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू सेपरेट दिस एंड्रोसियम विद द हेल्प ऑफ ऑल पेन, जेंटली इसको हमें रिमूव करना है। इसके बारे में हम बाद में जानेंगे, पहले मैं इसको बता दूं। ये देखिए मैंने पोलन ट्यूब को सेपरेट कर लिया है, तो ये जो नीचे कंबाइंड फॉर्म है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, इनको हम फिलामेंट, और ऊपर आ गए हैं इसके एंथर, दीज आर कॉल्ड एंथर, और वन पार्ट को हम इसे बोलेंगे स्टेमन। क्या आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्लियर हो गया होगा? A single part of androecium is called stamen and the function of stamen to reproduce male gametes. Male gametes बनते कहाँ पे हैं? इस anther में। Stamen के ऊपर जो एक cap लगी हुई है filament पे, इनमें इनको बोलते हैं हम anther, और anther के अंदर pollen grains होते हैं, pollen grains के अंदर बनती हैं male germ cells या male gametes. Innermost layer of फ्लोरल लीफ इज कॉल्ड गाइनेशियम, सी चिल्ड्रन, एंड द वन पार्ट ऑफ गाइनेशियम इज कॉल्ड पेस्टिल, दिस इज पेस्टिल। अब पेस्टिल के हम डिफरेंट पार्ट देखेंगे, ये जो आपको येलो कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड ओवरी, इसको हम बोलेंगे ओवरी, एंड जो व्हाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रही है दिस इज कॉल्ड स्टाइल, एंड जो टिप पे आपको 5 सेपरेट दिख रहे हैं पोर्शन दीज आर कंबाइंडली नोन एज स्टिग्मा, दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब इस जो इनर मोस्ट पार्ट है एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, सो इस पार्ट का फंक्शन क्या होगा? ये जो आपको ओवरी दिख रही है चिल्ड्रन, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स और ओव्यूल के अंदर होती है एग सेल। तो अब आइए ये सारे आउटर पार्ट देखने के बाद अब हम ओव्यूल्स देखेंगे। ये ओवरी का मैं लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन ले रही हूं जहां पे आपको ओव्यूल्स दिखेंगे। इसके साइज बहुत छोटी होती है, आप मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से इसे देखने की कोशिश कीजिए। ये अरेंजमेंट आपको क्लियर कट नजर आ रही होगी, जैसे फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं वैसे ही ओवरी में ओव्यूल्स अरेंज रहते हैं। अब एक बार मैं इसका ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन करके भी आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे पास दूसरे फ्लावर की ओवरी है, बहुत ही थिन सी लेयर आपने इसमें कट करनी है। ये देखिए यहां इस सीट पे रख देती हूं मैं। अब इसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे। अब हम जानेंगे कि पॉलिनेशन कैसे होती है। ये चिल्ड्रन एंथर है और एंथर के अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन्स,
जैसे ही फ्लावर मेच्योर होता है तो पोलन एंथर जो है ब्रेस्ट हो जाता है, जिससे पोलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं। अब ये पोलन ग्रेन्स इस एंथर से स्टिग्मा तक जो इसकी ये रिचमेंट है, लैंडिंग है, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इस फ्लावर में देखिए, यहां से ये पोलन ग्रेन्स इस जगह पे स्टिग्मा पे जो पहुंचते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। अगर ये सेम फ्लावर में और सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर में होता है ये ट्रांसफर, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। बट यहां से पोलन ग्रेन्स हिबिस्कस के ही डिफरेंट कलर के फ्लावर पे पहुंचते हैं, उनको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। एंड ये क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं चिल्ड्रन इंसेक्ट्स की हेल्प से, एयर एंड वाटर, बर्ड्स और बाय ह्यूमन बीइंग। ये डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं जिनसे ये पॉलिनेशन होती है। अब आइए आगे हम जानते हैं कि पॉलिनेशन के बाद क्या होता है। व्हेन द पोलन ग्रेन्स लैंड ऑन द स्टिग्मा, द इनर टिश्यू ऑफ स्टिग्मा बिकम स्टिमुलेट एंड इट सीक्रेट ए केमिकल, दैट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म। इस कीमोट्रोपिज्म में जो पोलन ग्रेन्स का आउटर कोट है वो मेल्ट होएगा और जो इनर मटेरियल है जिसमें कि मेल जर्म सेल्स प्रोटेक्टेड हैं, वो एक ट्यूब बनाते हुए इस स्टाइल में से होते हुए ओवरी तक पहुंचती है, एंड दैट ट्यूब इज कॉल्ड पोलन ट्यूब। दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। जो आपके स्टेमन के फिलामेंट ट्यूब बनाते हैं उसको बोलते हैं स्टेमन ट्यूब, एंड पोलन ग्रेन्स जो ट्यूब बनाते हैं दैट इज कॉल्ड पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब जैसे ही ओवरी में एंटर करेगी, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं उसके अंदर क्या है, एग सेल, वो एग सेल के साथ पोलन ग्रेन्स में आए हुए मेल गैमेट्स फ्यूज हो जाएंगे, एंड दिस फ्यूजन प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो एग सेल थी जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ थे, और मेल गैमेट्स में भी हाफ होते हैं, गैमेट वर्ड जहां आ जाता है उसका मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ है, तो दोनों जुड़ गए, और जुड़ते ही जो एग सेल थी वो कन्वर्ट हो गई है जाइगोट में। अब जाइगोट के अंदर मल्टीपल डिवीजन होएगा और जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में। जैसे ही एम्ब्रियो बनेगा, ये जो ओव्यूल है जो अभी आपने देखा कि सीड लाइक स्ट्रक्चर, यस, वो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। सीड के बनते ही ये जो आपकी स्टाइल एंड स्टिग्मा ये डिटैच हो जाएंगे, और जो और थ्री लेयर्स आपने देखी हैं पहले ही डिटैच हो चुकी होती हैं। तो सीड के फॉर्मेशन के जस्ट बाद में ये जो ओवरी है बेटा, ये कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। ओके, होप कि आपको फ्लावर से फ्रूट बनने का प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगी, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग सेल कन्वर्ट इनटू जाइगोट, एंड मल्टीपल डिवीजन, सेल डिवीजन अकर इनसाइड द जाइगोट, इट कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो। जैसे ही एम्ब्रियो बनेगा, जो ओव्यूल था वो बन गया है सीड, और सीड के बनते ही ये जो ओवरी है ये कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में। तो इस तरीके से फ्रूट के अंदर सीड प्रोटेक्टेड रहते हैं, और सीड में एक टाइनी प्लांट एम्ब्रियो के फॉर्म में सेफ रहता है। जब हम इन सीड्स को अप्रोप्राइट कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं तो ये जर्मिनेट होके न्यू प्लांट बनाते हैं। फ्लावर की कंप्लीट डाइसेक्शन करने के बाद और जो इनर प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के बाद, होप कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो असली जर्नी है वो स्टार्ट होती है पोलिनेशन प्रोसेस से। व्हाट डू यू मीन बाय पोलिनेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ ए सेम प्लांट और द अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज, ये ध्यान रखी जाती है। अब ऐसा नहीं होता कि मैंगो प्लांट के जो पोलन्स हैं वो अगर एप्पल पे गिर गए तो फिर उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगी, नहीं। दोनों इस जो प्लांट है जहाँ पे ट्रांसफर हो रही है वो सेम होने चाहिए, सेम स्पीसीज से बिलोंग करने चाहिए। अब ये फ्लावर का स्ट्रक्चर आप वीडियो में जान चुके हैं, ये क्या है आपका
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और सेंटर वाला होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. दिस इज कॉल्ड स्टेमन, दिस इज कॉल्ड पिस्टिल. तो यहाँ पे इस एंथर में जो पोलन ग्रेन है, एक पोलन ग्रेन को दिखाया गया है, बहुत सारे पोलन ग्रेन है, किससे स्टिक हो गए, इंसेक्ट से. इंसेक्ट जाते हैं इन पोलन ग्रेन को लेके दूसरे प्लांट, प्लांट के फ्लावर पे गया, ये सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पे गया, ये इसी फ्लावर की इसी स्टिग्मा पे लैंड कर गया. किसी भी तरीके से ये जो पोलन ग्रेन्स है वो कहाँ पहुंच गए हैं, स्टिग्मा पे. तो इस ट्रांसफर को हम बोलते हैं पॉलिनेशन. कुछ भी नहीं है, एंथर से पोलन ग्रेन्स निकले और कहाँ पे लैंड कर गए, स्टिग्मा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन. ये टू टाइप्स का होता है, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन. सेल्फ में देखिए, एक ये प्लांट है, इसके इस फ्लावर से ये पोलन ग्रेन्स निकले, दूसरे फ्लावर पे चले गए, ये इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे चले गए. यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्फ पोलिनेशन, मतलब प्लांट एक ही है, उसके एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है ये, तो इसके सेम फ्लावर में एंथर से स्टिग्मा तक रिचमेंट हुई, उसको भी हम सेल्फ पोलिनेशन बोलेंगे. इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे गए हैं, उसको भी हम सेल्फ पोलिनेशन बोलेंगे. लेकिन सेम स्पीसीज का अगर दूसरे प्लांट पे पहुंचा, देन इट इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन. और ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये कौन कौन होते हैं, एयर, वाटर, इंसेक्ट्स, और मैनुअली भी ये ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है. तो सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन कॉन्सेप्ट क्लियर. पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. यस, अब पोलिनेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड फर्टिलाइजेशन. जैसे ही ये पोलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा पे लैंड करते हैं, स्टिग्मा का टिश्यू स्टिमुलेट हो जाता है और इसका आउटर कोट मेल्ट हो जाएगा. किसका, पोलन ग्रेन्स, क्योंकि इसके बाहर एक थिक आउटर कोट होता है और इसका जो इनर मटेरियल है वो सारी एक ट्यूब बनाता है. ये ट्यूब और मटेरियल क्या होंगे उसमें, मेल जर्म सेल्स. ये ट्यूब धीरे 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 नीचे की तरफ राइज करती है और ओवरी में जो ओव्यूल प्रेजेंट है, ये क्या है, पिस्टिल का कौन सा पार्ट है, नीचे वाला स्वेलो पार्ट इज कॉल्ड ओवरी. अब यहाँ पे आपको एक सिंगल ओव्यूल दिखाई दे रहा है, सिंगल ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होती हैं फीमेल जर्म सेल्स. तो दो प्रोसेस हो गए यहाँ पे. फर्स्ट क्या हुआ, पोलन ग्रेन्स जैसे ही आए, स्टिग्मा का जो टिश्यू है वो स्टिमुलेट होके केमिकल सीक्रेट करता है जिससे पोलन ग्रेन के आउटर कोट मेल्ट हो जाती है और इसका इनर मटेरियल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता हुआ धीरे धीरे ओवरी की तरफ ग्रो करता है. और ओव्यूल के अंदर एक छोटा सा यहाँ पे पोर होता है, उससे ये पोलन ट्यूब अंदर एंटर करेगी और जो साथ में मेल जर्म सेल्स लेके आई है वो उसके साथ फ्यूज हो जाएंगे. इस फ्यूजन को ही बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. देखिए, After the landing of pollen grains on a suitable stigma, a tube grow out of the pollen grains which contain male germ cells. एक सेल भी हो सकती है, बहुत सारे भी हो सकते हैं. It travels through the style to reach the ovary. Inside the ovary, female germ cells present in ovule. Pollen tube enter inside the ovule where the male germs join with the female germs. This fusion is called fertilization. Then egg cell convert into zygote. कि जैसे ये फर्टिलाइजेशन होएगी, वो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जब मेल जर्म सेल फीमेल के साथ जुड़ जाती है तो सिंगल सेल बनती है. अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो गए हैं, डबल. देन दिस सिंगल सेल इज कॉल्ड जाइगोट. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म ए एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर, ये ओवरी है, ओव्यूल के अंदर ये जाइगोट बहुत बार डिवाइड होएगा, माइटोटिक डिवीजन होएगी इसमें, इसको समसूत्री विभाजन कहते हैं, और ये क्लस्टर ऑफ सेल बना लेता है. दैट क्लस्टर ऑफ सेल इज कॉल्ड एम्ब्रियो. अब एम्ब्रियो के बाद फर्दर जो इसकी डिवीजन है वो रुक जाती है. सी द ओव्यूल डेवलप्ड टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इंटू सीड. एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के बाद में ये जो ओव्यूल है ये अपने सराउंडिंग में एक टफ कोट क्रिएट कर लेता है एंड दिस ओव्यूल नाउ कन्वर्ट इंटू सीड. द ओवरी ग्रो रैपिडली एंड राइपन टू फॉर्म ए फ्रूट.
और जैसे ही सीड बनेगा, अब ये जो ओवरी है इसके अंदर जो एक्स्ट्रा फूड फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स ने बनाया था वो इसमें आकर स्टोर होना शुरू हो जाता है और ये स्वेल अप हो जाती है और कन्वर्ट हो जाती है चिल्ड्रन फ्रूट में. मीन्स वाइल द पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा में श्रीवल और फॉलोअप, इसी दौरान जब ये फॉर्मेशन चल रही है तो बाकी जो फ्लावर के पार्ट्स हैं जो आपने पढ़े हैं, नीचे सेपल्स थे, कलरफुल पार्ट पेटल, और जो स्टेमन रह गया था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, वो सब इस पे से फॉलो अप हो जाते हैं. तो होप कि ये दोनों टर्म आपको क्लियर हो गई, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब किसके अंदर से जाती है? स्टाइल के अंदर से होकर मूव करती है, ये ध्यान रखनी है. दूसरी आपने स्टेमन ट्यूब देखी थी, वो स्टेमन्स के जो फिलामेंट आपस में फ्यूज होकर बनाते हैं. इस स्मॉल वीडियो से हम प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन को लाइव देखेंगे. ये देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर का स्ट्रक्चर है, एंथर. एंथर से पोलन ग्रेन कहाँ पहुंच चुके हैं? स्टिग्मा तक. और स्टिग्मा में पहुंचने के बाद बन गई पोलन ट्यूब, जो कि इस स्टाइल में से एंटर करती जा रही है, नीचे की तरफ ग्रो कर रही है और कहाँ पहुंच गई है? ओवरी. ओवरी से अंदर एंटर कर गई है, अब ये जाएगी ओव्यूल्स में, राइट. और ये माइक्रोपाइल पोर्शन में से क्रॉस करती हुई ओव्यूल में पहुंच गई. ओव्यूल में टू टाइप्स की सेल्स होती हैं, ये पोलर सेल है एंड दीज आर द एग सेल. अब जो पोलन ट्यूब थी वो टू मेल जर्म सेल लेके आ रही है, एक तो ज्वाइंट हो गई है एग सेल से और दूसरी फ्यूज हो रही है इन पोलर न्यूक्लियाई से. तो इस तरीके से डबल फर्टिलाइजेशन होती है. पोलर न्यूक्लियाई बनाती है एंडोस्पर्म और जो आपकी एग सेल थी वो बनाएगी जाइगोट. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन. आप देखेंगे कि जो फर्स्ट मेल गैमेट थी वो एग सेल से जुड़ी, उससे बना जाइगोट, जाइगोट में फिर फर्दर डिवीजन होएगा, बनेगा एम्ब्रियो, देन ऑर्गेनिज्म. सेकंड जो मेल गैमेट्स थी वो टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ जुड़ रही है, तो वहां पे कितनी सेल्स टोटल थ्री हो गई है और ये कन्वर्ट हो जाता है एंडोस्पर्म में एंड दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. एंडोस्पर्म किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? डेवलपिंग एम्ब्रियो को. यहाँ पे देखिए जाइगोट, अब इसमें बहुत सारे मल्टीपल डिवीजन होगा और जाइगोट कन्वर्ट हो गया है एम्ब्रियो में. उसके बाद ये फर्दर डिवीजन रुक जाती है, ओव्यूल अपने चारों तरफ हार्ड कोट बना लेता है और कन्वर्ट हो जाता है सीड में. मीन्स वाइल जो ओवरी है ये भी फूड गेन करके स्वेल अप हो गई और कन्वर्ट हो गई है फ्रूट में और ये सारे बाकी पार्ट्स इसके डिटैच हो गए हैं. नेक्स्ट आता है जर्मिनेशन ऑफ सीड. अब जब फ्रूट बन गया है और सीड बन गए हैं तो सीड की जर्मिनेशन कैसे होगी? सीड जर्मिनेशन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ इवेंट दैट बिगन विद हाइड्रेशन ऑफ सीड एंड कल्मिनेट ऑफ इमर्जेंस ऑफ द एम्ब्रियोटिक एक्सिस, यूजुअली द रेडिकल एटाइनी रूट फ्रॉम द सीड कोट. आफ्टर The plumule, a tiny shoot emerges during this process. Cotyledon provide food to the germinating seed. आपने क्या देखा कि ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो को फूड कौन दे रहा है? एंडोस्पर्म. अब जब सीड जर्मिनेट हो रहा है तो वो एंडोस्पर्म ही बेसिकली किसको क्रिएट करता है? कोटिलेडॉन को. अब यहाँ पे देखिए ये एक सीड है, इस जगह पे जैसे ही हम इसको मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर सॉयल और प्रॉपर लाइट में रखते हैं, तो सबसे पहले एक व्हाइट कलर का फाइबर लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, दैट इज कॉल्ड रेडिकल. रेडिकल फिर बाद में बनाती है टाइनी रूट. रेडिकल निकल के किधर ग्रो करेगी? ये सॉयल की तरफ, राइट. उसके बाद इसमें से निकलना शुरू हो जाता है प्लूमोल और प्लूमोल में फिर ये लीव्स वगैरह राइज होती हैं, तो फिर बन जाता है ये इंडिपेंडेंट प्लांट. तो आपने देखा चिल्ड्रन कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है और फ्लावर का डिटेल स्ट्रक्चर देखा, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, जर्मिनेशन, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए. इन्हीं के ऊपर जो आपने पूरा स्टडी किया है इस वीडियो में, मैंने कुछ क्वेश्चंस की एमसीक्यू की फॉर्म में क्रिएट किए हैं, आपने इनको समझना है
और आंसर्स इनके सही देने हैं। अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा नहीं है। होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक्स।